क्योंकि इसका ब्लाउज खराब हो गया है। बहन ने बहुत डिजाइनर ब्लाउज सिलवाया था। नेक्स्ट व्लॉग आपने देखा होगा इससे पहले जो भी हमने प्रिपरेशन वगैरह की पेंट वगैरह का व्लॉग था। और अब हम जा रहे हैं पापा की शॉपिंग के लिए। पापा की शॉपिंग उस दिन भी डन नहीं हुई, सिर्फ सगाई वगाई के कपड़े हुए हैं, शादी के नहीं हुए। सब हम शॉपिंग के लिए जा रहे हैं। बाकी वैक्स वगैरह हमने करा ली है, आईब्रो डन, शाम को नेल एक्सटेंशन वाला आ जाएगा। सो हमने सारी जो सर्विसेज है वो घर पे ही ली है। हमारे पास था टाइम नहीं हो पा रहा था कि हम वहाँ जाके सर्विस लें, जिसकी वजह से बहुत टाइम ख़राब हो रहा था। तो सारी सर्विसेज हमने घर पे ली है। और या जो भी होगा आगे मैं आपको दिखाती रहूँगी। सो जब तक के लिए हम शॉपिंग पे चलते हैं। सो गाइज, हम शॉपिंग करके आ गए थे। अब जो है मैंने कॉल करा नेल एक्सटेंशन वाले को, तो उन्होंने बोला कि वो रास्ते में है। सो जैसा भी होता है मैं आपको दिखाऊंगी। उनके सामने ऐसे बोल बोल के ब्लॉग तो नहीं करूँगी, जो भी क्लिप शूट होगी मैं कर लूँगी। सो फाइनली लास्ट स्टेप ही रह गया नेल एक्सटेंशन, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन है कल सगाई, देखते हैं कैसा लुक क्रिएट होने वाला है, कैसा होने वाला है सब कुछ। सो जो भी होगा आपको ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा। सो फाइनली हमारे नेल्स भी डन हो चुके हैं। जैसा मैंने उन्होंने पिक्चर दिखाई थी एज इट इज, वैसी के वैसे मुझे नेल्स मिले हैं। फर्स्ट टाइम मैंने नेल्स कराए हैं, उसके बावजूद मतलब मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहा। मैंने देखा है लोग जो है कुछ और दिखाते हैं और कुछ और हो जाते हैं, पर मेरे साथ ये वाला नहीं हुआ लॉल। तो मेरे तो अच्छे खासे हो गए हैं। और आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था, बहुत ज़्यादा बिजी। जैसे आपको पता है मैं पूरा दिन आज मार्केट भी रही, वैक्स कराने भी गई, जो भी सब कुछ था उसी में ही पूरा दिन निकल गया। सो सारी सर्विसेज जो है हमें घर पे ही मिल गई, ये बहुत अच्छी बात रही। जो कि रेनू के टाइम पे ऐसा नहीं हुआ था, जब रेनू अपने नेल एक्सटेंशन वगैरह कराने गई थी तो हमें जाना पड़ता है, बट हम दोनों के लिए सारी ही होम सर्विस हमें मिली है। सो गुड फॉर अस। बाकी कल सगाई है और दिखाने वाले हैं क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। बहुत एक्साइटेड है, नई भी है, समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा लग रहा है किसी दूर के रिलेटिव की सगाई है, बट हाँ उनके लिए इतनी प्रिपरेशन नहीं कराते हम, बट प्रिपरेशन करा रहे हैं। बट वो फील नहीं आ रही कि हाँ मेरी खुद की बहन की शादी है, उसकी कुछ दिन बाद वो निकल लेगी अपने ससुराल। बट अभी फील नहीं आ रही, खुद ब्राइड को नहीं आ रही, खुद के हमारे पेरेंट्स को नहीं आ रही। पूरी प्रिपरेशन हो चुकी है फिर भी फील नहीं आ रही है कि हाँ भाई शादी है। बट यही कह के शादी आ जाएगी और व्लॉग निकल जाएगा। और मैं यही कहने जा रही हूँ, फील नहीं आ रही है। पता नहीं कब तक जाके मेरे को फील आएगी कि हाँ भाई फाइनली शादी हो गई, हो रही है। या हो रही है। सो या बाकी अभी हम मैगी खाएंगे। आई नो मेरा बहुत ज़्यादा मैगी हो रहा है इस टाइम। मैगी मैं हर थोड़े दिन बाद खा रही हूँ, बट इट्स ओके, ऐसे दिनों में चलता है ऐसे फास्ट फूड। इसके बाद मैं इसको अवॉइड करूँगी। सो या मैगी खाएंगे हम अभी, वही इनको, क्योंकि कल इनका फास्ट था। मैंने आपको मैगी व्लॉग में आपने देखा होगा क्लिप में, मेरा इनका फास्ट था और मैंने कैप्सिकम चीज़ी मैगी बनाई थी। जो चीज़ लवर है उनको बहुत अच्छी लगने वाली है ये। सो अब इनको भी आज, ये कह रहे खुशबू आ रही थी हमें आज खानी है, तो अब इनके लिए भी बनाऊंगी और मैं खुद भी खाऊंगी। सो या
सो मैं आपको दिखाऊंगी बीच बीच में अपनी मैगी की रेसिपी, और बाकी जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूंगी। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो या मिलते हैं बाद में। कैप्सिकम चीजी मैगी, सो इसमें मैं 3 मैगी बना रही हूँ, तो इसमें मैं 3 कप पानी डालूंगी, ऐसे ही 3 कप पानी डालूंगी। सो मैंने इसमें कैप्सिकम अभी डाल दी है, सो इसमें मैं डालूंगी सॉल्ट, और जब ये बॉइल्ड हो जाएगा तब मैं इसमें मैगी डालूंगी। सो मैंने मैगी ऐड कर दी है, अब मैं इसमें अब 4 स्लाइस ऐड कर दूंगी, इसमें 4 स्लाइस ऐड कर दूंगी क्योंकि ये चीज़ी मैगी है। उसके बाद मैं मैगी मसाला ऐड करूंगी, और फिर 2 मैगी मसाला, थोड़ा सुपर स्पाइसी, थोड़ा स्पाइसी सा बनाएंगे हम क्योंकि इन दोनों को थोड़ा स्पाइसी पसंद है, दैट्स व्हाई। ये देखो फेशियल करा के ये लड़की रात के 11:30 बजे जाके, इसके कपड़ों की हालत देखो कितनी गंदी कर रखी है, और इसका मुंह इसलिए सड़ा हुआ है क्योंकि इसका ब्लाउज खराब हो गया है। बहन ने बहुत डिजाइनर ब्लाउज सिलवाया था पर इसका पोपट हो गया है। अभी ये मैगी भी इंजॉय नहीं कर पा रही है। बहुत सैड है बेचारी, बहुत सैड है। आप मैम 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 कुछ बोलिए, मैम 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 मैगी कैसी बनी है मैम? मैम ओके गाइस, ये नहीं बोलेगी, हम अपना मैगी खा लेते हैं। यम्मी यम्मी, ये इसमें अब ज़्यादा मसाले वाली दिख रही है बट इतने रियल में है नहीं। दिस इज़ द नेक्स्ट डे, जो है मैं नहा ली हूँ और लोग आ गए हैं, पंडित जी आ गए हैं, रेणू की लगन लिखी जा रही है, लगन लगन जो भी होती है वो लिखी जा रही है, आज सगाई वाले दिन ही लिखी जा रही है। इसके बाद हमें जाना है स्टूडियो, जाना है मेकअप के लिए, और ये रेडी हो गई है। अभी मैंने जो भी है रिंग वगैरह जो पहनी थी वो पहन ली है, बाकी वहीं जाके सब कुछ करेंगे, जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। और या एक्साइटेड है, बाकी हीरोइन जी तैयार हो गई हैं, बहुत हौच पौच हो रही है क्योंकि सब आने लग गए हैं गेस्ट वगैरह, और हमें यहाँ से निकलना है 1:30 बजे, और जो कि बज चुके हैं ऑलरेडी, 5 मिनट हैं 1:30 बजने में। हमें ये जल्दी से कहा, मनीषा देहरी पूज रही है, जो कि लड़की ये पूजती है या फिर बुआ पूजती है, तो हमारी बुआ लेट हो गई है, तो जिसकी वजह से अब मनीषा पूज रही है देहरी, वो पूजेगी, उसके बाद फ्री होके हम जाएंगे सीधा स्टूडियो। एक्साइटेड, पता नहीं कैसा लुक टर्न आउट होने वाला है, मुझे नहीं पता, और मुझे थोड़ी नर्वसनेस भी है क्योंकि मुझे नहीं पता क्या होने वाला है, फर्स्ट टाइम उनसे रेडी होने जा रहे हैं। आई होप सो कि सब अच्छा आ जाए। सो यहाँ मिलते हैं, आगे जो भी होगा मैं आपको दिखाती रहूँगी। प्रिटी वुमन देखो देखो ना, प्रिटी वुमन नहीं सही में प्यारी लग रही है, नजर ना लगे। कैसा लग रहा है ना तुम्हें, कैसा लग रहा है? मुझे कैसा भी लग रहा है, ऐसा लग रहा है मेरे को तैयार होके बस मेरे को किसी पूजा में बैठना है। आज कुछ
अल्लाह छोड़ता है तो ना पांच दिन चीज में ध्यान रखना है बन गई बन गई catch a glimpse of me don't you worry it's okay to take a peek let you worry it's not pretty to face yeah try to hide it and you got curious but your feelings all stop playing dumb cause you know I am the fire I got a feeling Wanna come a little closer काफी इंजॉय किया। मैं ज्यादा व्लॉग नहीं कर पाई क्योंकि
अच्छा नहीं लगता ऐसे कैमरा ले लेके घूमना। और बाकी जितना हुआ मैंने शूट किया है, और या और आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना हमारा लुक कैसा लग रहा है। और कैमरे में जो है थोड़ा डार्क दिख रहा है, तो प्लीज़ डोंट जज। और आज हमने लेंसेज लगाए थे, सो फर्स्ट टाइम लगाए, बहुत मेरे को स्टार्टिंग में बहुत पेन हुआ, तेरे को भी हुआ था? पेन नहीं हुआ था, मतलब क्या ही बोले, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने आँख में कुछ डाल दिया है और उसको हम निकाल भी नहीं पा रहे, खोल ही नहीं पा रही थी। और मेकअप कराया है वो आपको पता चल जाएगा, ब्लॉग में आपको पता चल गया होगा क्योंकि हमने उसकी क्लिप भी बताई है बाहर की, और उनको भी पता चल गया कि हम ब्लॉग करते हैं। The next day. यार ये कितनी इरिटेटिंग है यार, ये अंदर क्यों ए लड़के और आओ ना तुम दोनों सारे, तुम अंदर क्यों नहीं बैठे, क्या कर रही हो? मां चेप हो रही है, मां हम यहां से उठा लेंगे, यहां से मां ले देखना पड़ता है, मतलब देख तो और रिव्यू कर तो पिंक यहां पे लगाओ, ये क्या है, ये पिंक है क्या, ये हां अच्छी लगेगी, ऐसी बड़ी लगेगी है, और ये तो पीली पीली भी नहीं है, या तो पीली पीली इस पे कर दो, पीली पीली इस पे कर दो, पहले ये बंदा पार्टी बदल रहा है भाई, बार 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 घंटा रहता है ना नो अरे पापा की बेल्ट टक गई, यार तू भी करते है जैकेट वाली कर रहे हैं, यार के यार बाल से कुछ नहीं, राहुल राहुल पार्टी वाले सब काम कर रहे हैं, वीडियो वाले खड़े हैं, काम कुछ है नहीं, वीडियो में बस आके फुटेज खा रहे हैं, मेन मजदूरी यही है ये लड़की, यस ये लड़की से खाना खा रहे हैं ये, और ये हेल्पर ये चुप कर रहा यार, इनको दो वक्त की रोटी ज्यादा मिलेगी नहीं साहब बर्गर चाहिए, जाना बर्गर नहीं मिलता, आई होप आप सबको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो या फिर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।